थोड़ा जुगाड़, ढेर सारी इज्जत। सेकंड हैंड इंजन, हौसले का दम। में ऑटोमोटिव लैब में पहले से जो चीजें मौजूद थी उनका हमने बेहद अच्छे तरीके से यूज करके इस पे लगाया हुआ है। 1.5 लाख का खर्चा, 150 किलोमीटर पर आवर का मजा, और इसको हमारे बनाने में 1.5 से 1.75 लाख रुपए लग चुके हैं। तैयार हुआ शाहकार गो कार्ट रेसिंग कार। सुनने में असंभव सा लगने वाला यह कारनामा जबलपुर के 30 इंजीनियरिंग छात्रों का है। गो कार्ट रेसिंग में हिस्सा लेने की योजना थी, लेकिन रेसिंग कार की कीमत ने अरमानों पर पानी फेर दिया। अब या तो हट जाते या हट ही हो जाते। लिहाजा 6 महीने पहले शुरू हुआ गो कार्ट बनाने का अभियान। टायर इंदौर से आए, JHS मटेरियल दिल्ली का लगा, पुणे से आए सेफ्टी गियर, सेकंड हैंड बाइक का इंजन जुगाड़ा, इसमें जुनून को मिलाया, और फिर नाकामियों ने कई बार घिसा, लेकिन संघर्ष की आग में तपकर निकली 150 सीसी के इंजन से 150 किलोमीटर पर आवर का फर्राटा भरने वाली गो कार्ट। ये गाड़ी को बनाने का हमारा मेन टारगेट ये था कि जो गो कार्टिंग की रेसेस होती हैं उसमें हमारे कॉलेज का नाम रोशन करके जीत के आए, और इसको हमारे बनाने में 1.5 से 1.75 लाख रुपए लग चुके हैं, और मार्केट इसको बनाने में हमारा 6-7 महीने का समय लग चुका है अभी तक के, डिजाइनिंग से लेके इस मॉडल को रेडी करने। सीमेंट ट्रैक पर सरपट दौड़ने के लिहाज से तैयार इस कार में 5 गियर 4 टायर है। टायर की लंबाई करीब 6 इंच, एक बार में 4.5 लीटर पेट्रोल भरा जा सकता है। फिलहाल बाहरी सजावट बाकी है। हमने इसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करने की बहुत कोशिशें करी हैं, और करी भी है हमने इसकी कॉस्ट रिड्यूस। जैसे कि हमने बहुत सारी ऐसे जो हमारे लैब में ऑटोमोटिव लैब में पहले से जो चीज़ें मौजूद थी उनका हमने बेहद अच्छे तरीके से यूज़ करके इस पे लगाया हुआ है। इंजन वगैरह जो है हमने उसको कम से कम लागत लगा के उसका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करी है। मैकेनिकल इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत से कार तो बन गई, बस अब इरादा है कि कोल्हापुर में इंडियन कार्टिंग चैंपियनशिप में जबलपुर का जलवा बढ़ाया जाए, जीत कराया जाए। ये एक ऐसी सिर्फ रेसिंग के पर्पज से बनाई है, ये नॉर्मल रोड पे नहीं चल सकती, सिर्फ ये सीमेंटेड रोड पे चल सकती है, और ये गाड़ी सिर्फ जमीन से 2 से 5 सेंटीमीटर ऊंची है। ऐसे इनोवेटर्स को अगर सही मौका और मदद मिल जाए तो नौकरी के लिए किसी का मुंह ताकने की नौबत ना आए। पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर।